I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Despite nearly all national polls showing him behind before the voting started, Donald Trump is now President-elect Trump. Donald Trump wins the presidency. Donald Trump will be the 45th President of the United States. जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो बहुत लोगों को बहुत बड़ा शॉक लगा था। इससे पहले अमेरिकी राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप जैसे कोई भी नेता इतने टॉप तक नहीं पहुंचे थे, जो नफरत की राजनीति में नंबर वन। डोनाल्ड जे ट्रंप इज कॉलिंग फॉर ए टोटल एंड कंप्लीट शटडाउन ऑफ मुस्लिम्स एंटरिंग द यूनाइटेड स्टेट्स अंटिल आवर कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स can figure out what the hell is going on. Gali Galoch mein number one. Matter of principle, and I'll tell you. You are the single biggest liar. You probably are worse than Jeb Bush. Aur logon ko maarpeet karne ke liye uksane mein bhi number one. So if you see somebody getting ready to throw a tomato, knock the crap out of him, would you? Seriously. Like to punch him in the face, I'll tell you. इन हरकतों के बावजूद 2016 में ट्रंप इलेक्शन जीत गए, जबकि सभी ओपिनियन पोल में हिलरी क्लिंटन आगे थे। As voting gets underway, our latest tracking poll shows Hillary Clinton holding steady with a 4-point lead over Donald Trump. हिलरी क्लिंटन के पति बिल क्लिंटन दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे और हिलरी खुद पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कैबिनेट में विदेश मंत्री रह चुके थे। हिलरी क्लिंटन के एक हार का एक बड़ा कारण था कि विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने एक प्राइवेट ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था। अब अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑफिशियल ईमेल के लिए आपका अलग ईमेल एड्रेस होता है और ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप अपना प्राइवेट ईमेल ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हिलरी ने ऐसा किया था और उन पर यह इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने खुफिया डॉक्यूमेंट इसी ईमेल आईडी से लोगों को भेजा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन के दौरान हिलरी क्लिंटन को क्रूकेड हिलरी यानी मक्कार हिलरी बुलाने लगे। क्रूकेड हिलरी। साथ में सोशल मीडिया पर हिलरी के खिलाफ कैंपेन चालू हुआ ताकि लोगों के मन में हिलरी क्लिंटन का एक नेगेटिव इमेज बैठ जाए। हिलरी क्लिंटन्स लाइज पुट आवर कंट्री एट रिस्क, टू क्रूकेड टू बी प्रेसिडेंट। कैंपेन के वक्त थी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो जिन्होंने भी सरकारी खुफिया इंफॉर्मेशन लीक किया हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। In my administration, I'm going to enforce all laws concerning the protection of classified information. No one will be above the law. निशाना हिलरी क्लिंटन पर था और राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप ने बार बार कहा कि वो खुफिया डॉक्यूमेंट लीक करने वालों के सख्त खिलाफ हैं। How does the press get this information that's classified? How do they do it? You know why? Because it's an illegal process and the press should be ashamed of themselves. But more importantly, the people that gave out the information to the press should be ashamed of themselves. लेकिन अब ट्रंप खुद अपने ही जाल में फंस गए हैं। 2020 में जब वो इलेक्शन हार गए तो उनको व्हाइट हाउस, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति का घर है, वो छोड़ना पड़ा। ट्रंप और उनका सामान दोनों पहुंचे फ्लोरिडा के मारा-लागो बीच रिजॉर्ट में जहां ट्रंप रहते हैं और साथ में ट्रंप ढेर सारी सरकारी खुफिया डॉक्यूमेंट भी ले गए। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खुफिया डॉक्यूमेंट ऐसे जगहों पर स्टोर किया गया जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते जाते थे। कुछ बक्से जिनमें ऐसे खुफिया डॉक्यूमेंट रखे गए थे वो बाथरूम में स्टोर किए गए। ट्रंप का को जब कहा गया कि आप ये डॉक्यूमेंट वापस कर दीजिए तो उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। फिर ये हुआ। New reporting here after that unprecedented FBI search at the home of former President Trump at Mar-a-Lago in Florida. अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चार्जशीट तैयार है जिसको अमेरिका में इंडाइटमेंट कहा जाता है और उन पर जल्द ही केस चालू होगा। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति है जिनका इंडाइटमेंट हुआ है, जिन पर औपचारिक चार्जशीट लागू हुआ है। सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों किया,
किसी भी लोकतंत्र में जब भी कोई नेता खुद को राजा समझ लेता तो वो सोचता है कि उस पर कोई भी ऐसा कानून लागू नहीं होगा जो आम लोगों पर होता है। वो लोकतंत्र के सभी कानून, सभी परंपराओं के धज्जे उड़ा देता है। वो खुद को उनके परे समझता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे ही नेता है जो नफरत और हिंसा की राजनीति की उपज है। 2020 में इलेक्शन हारने के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को उकसाया था कि वो अमेरिका के संसद पर हमला करें। Because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. और उसके बाद ट्रंप समर्थकों ने संसद पर हल्ला भी बोल दिया था। अब ट्रंप पर चार्जशीट के बाद भी उनके करोड़ों समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, और ट्रंप भी फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। I've put everything on the line and I will never yield. I never yield. I will never be deterred. I will never stop fighting for you. अगर ट्रंप को दोषी करार दिया भी गया, उनकी राजनीति फिर भी जिंदा रहेगी। आज ट्रंप है तो उनके जगह कल कोई और होगा। हिंसा की राजनीति पूंजीवाद और कॉरपोरेट राज का एक अभिन्न अंग है। उसको हराने के लिए किसी एक नेता की हार काफी नहीं है। सिर्फ मुद्दों की राजनीति, अमन की राजनीति, यही हिंसा की राजनीति को हरा पाएगी। आज का शो यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कृपा करके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन, तीनों बटन दबा दीजिएगा। अगली बार तक नमस्कार।